कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू आई एम हीरो माई लाइफ में। मेरा नाम है आयुष तोमर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आइको फ़ोन का जो एक फ़ीचर है उसको लेकर होने वाली है। हालांकि मैंने फ़ीचर्स के लिए एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन उसमें वो फ़ीचर रह गया था, वो थोड़ा हिडन फीचर है, तो इस वजह से शायद वो रह गया। तो इस फीचर्स को हम ढूंढते हैं और आपको बताऊंगा कि इस फीचर को कैसे ऑन करेंगे। ये फ़ीचर है जैसे कि लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कोई एमिनेशन लगाना है तो उसलिए है, उस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग्स में। छोटा सा वीडियो जल्दी से कर लेते हैं, सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं हम। ओके, सेटिंग्स ओपन करने के बाद हमें जाना होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। तो ये फ़ीचर्स हमें हमारे सामने होता है लेकिन हिडन होता है, तो कन्फ्यूज़न में हम उसे बार बार छोड़ देते हैं। तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, तो हम यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, इसे तो कर लेते हैं, लेकिन ये फीचर इसी के अंदर होता है, हमें क्लिक करना होता है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पर। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये फ़ीचर्स खुल के आता है। तो अब आप इस फीचर्स में आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारे फ़ीचर्स मिल जाएंगे कि आपको ऑफ स्क्रीन पर किस टाइप का एनिमेशन लगाना है। जैसे कि ये इस टाइप से लगा सकते हैं, तो मैं आपको एक ट्राई करके दिखा रहा हूँ। इस टाइप से जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी या फ़ोन आपका थोड़ा वही एक्टिव होगा तो उस टाइम पे ऐसा होगा लॉक स्क्रीन होने के बाद। ठीक है, ये वॉच हो गई। अभी मैंने ये वाला लगाया हुआ है, मुझे ये पसंद है, आप ये लगा सकते हैं। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, इस टाइप का आपको नज़र आएगा। ठीक है, एक ये है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर ये है कि ये छुपा हुआ है थोड़ा सा, तो इसलिए काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाता। काफ़ी टाइम मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ ये फ़ीचर गया कहाँ, तो ढूंढने के बाद मिल जाता है। और कुछ क्लासिक भी हैं इस टाइप से, ये पर्सनलाइज स्टाइल है, ये क्लासिक स्टाइल है, इधर बहुत सारे फीचर हैं इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, कितनी एडिटिंग है, हम बहुत तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें कोई कमी ना रह जाए, तो आज सारे फीचर, सारी एडिटिंग मैं आपको दिखा दूँ, सारी कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम क्लासिक साइड में जाते हैं, क्लासिक स्टाइल में चले जाएँगे, तो यहाँ पर आपको एक और कस्टमाइजेशन और एडिटिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि नंबर, कलर और बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। तो नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप नंबर को चेंज कर सकते हैं, आपको किस टाइप से चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। कलर, आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं सभी के। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड किस टाइप का चाहिए, देखिए वाओ, ये फीचर्स पहले मैंने भी नहीं देखे थे, इसलिए ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, आपको कलर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको स्टिकर का वो मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखना होगा कलर और स्टिकर के पास। यहाँ पे हर बार एडिटिंग के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए, बहुत सारा सब कुछ है यहाँ पर ज़रा से फीचर के अंदर ही। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वॉच फेस, यहाँ पे आप वॉच का फेस भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये देखिए, और आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस ऑप्शन ने वाकई में, ये हिडन तो है, अगर किसी को मिल गया तो वाकई में आईको वालों ने खुश कर दिया यहाँ पर ज़रा से। इस फीचर में बहुत सारी एडिटिंग है, बहुत सारा कस्टमाइजेशन है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी अपना, कुछ भी अपना रूटीन वगैरह, कुछ भी मतलब टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, मतलब जो भी है कर सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेआउट आ गया कि आपको किस टाइप का लेआउट चाहिए टेक्स्ट का। ओके, यहाँ पे फिर से स्टाइल वगैरह को एडिट कर सकते हैं, कितना आपको टेक्स्ट को साइज रखना है, और कलर वगैरह तो नॉर्मल हर चीज़ में आप चेंज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते हैं आप। ओके, मतलब लोकेशन देख सकते हैं आपको कहाँ पे लोकेट करना है इसको, मुझे लोकेशन कोई और सी लगी थी ये। बहुत सारे फीचर हैं यहाँ पे। ठीक है, पर्सनलाइज में जाएंगे, या अभी मैंने सिर्फ क्लासिक साइड का दिखाया था, क्लासिक स्टाइल, पर्सनलाइज स्टाइल में भी ऐसे ही होगा बहुत कुछ।
तो यहाँ पे स्टाइल चेंज हो जाते हैं, ओके स्टिकर चेंज हो जाता है यहाँ पे। इसमें क्या है, ओके एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि पर्सनलाइज स्टाइल में हम ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं वो हम क्लासिक स्टाइल में कर सकते हैं, कलर साइज़ जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे लगता है इस फीचर के अंदर हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, सब चीज़ कवर कर ली है। ओके वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन सब चीज़ कवर हो गई। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन के अंदर हमें जितने भी कस्टमाइजेशन थी एडिटिंग थी वो हमने क्लियर कर ली। इस ऑप्शन के बाहर चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको जाना है नीचे ही नोटिफिकेशन में, तो जैसे ही आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे आपकी होम स्क्रीन इस टाइप की हो जाएगी, जहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा 7:56। तो आपके नीचे उसके नीचे आपको मिल रहा होगा डेट वगैरह, और उसके नीचे आपको कुछ नोटिफिकेशन दिख रही होगी। तो आप यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन ऑन कर लेंगे, जैसे कि फ़ोन कॉल्स, अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, तो यहाँ नीचे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही आपका ऑफ स्क्रीन पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा ऑफ स्क्रीन पर ये। तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन के बाहर आ जाते हैं। और कुछ है इसमें प्राइवेसी में, इसमें प्राइवेसी का कुछ वो नहीं है। डिस्प्ले मोड, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो डिस्प्ले का ऑन ऑफ रखना है, जो एमिनेशन होगा वो किस टाइप से रखना है। जैसे कि मूव द फ़ोन स्लाइड टू डिस्प्ले, मतलब जैसे ही आपका फ़ोन थोड़ा बहुत भी हिलेगा तो एमिनेशन ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले पर ये दिखाई देगा। और शेड्यूल डिस्प्ले, अगर आप कोई शेड्यूल सेट करते हैं टाइम कि इस टाइम से इस टाइम तक ये एमिनेशन आपके डिस्प्ले पर होना चाहिए ऑफ स्क्रीन पर, तो ये आप लगा सकते हैं। या फिर डिस्प्ले ऑल डे, मतलब स्क्रीन ऑफ हो जाए, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने अपना लगा रखा है स्लाइड टू डिस्प्ले, मतलब जैसे ही मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत भी एक्टिव होएगा, हिलेगा डुलेगा, तो ये तभी ऑन होगी। तो सब चीज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा फीचर हमने छान मारा है, कुछ भी नहीं रह गया इसमें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प होगी, आपको ये फीचर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं उनका नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा था कि ये फ़ीचर कहाँ पे है। तो अदनान आलम करके एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि मेरे लिए शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, ये फ़ीचर मिल नहीं रहा, तो उनके लिए वीडियो बनाइए। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्सक्राइबर को मेरे हैं, मैं आपके लिए छोटी शॉर्ट वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।